भाजपा के गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रत्याशी की दावेदारी पेश कर रहे डॉक्टर संजय त्रिपाठी के द्वारा अपनी प्रत्याशिता वापस लेने पर बेतिहाता स्थित उनके घर पर पहुंचकर मुलाकात की, जिसके संबंध में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि डॉक्टर संजय त्रिपाठी का आभारी हूँ। डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने मेरा समर्थन करके अपनी उदारता और बड़प्पन का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में जो लोग मन बड़ा रखते हैं वही लोग भविष्य में व्यक्तित्व में सक्षम होते हैं। उन्होंने कहा कि इसके पहले हम दोनों लोगों ने चुनाव लड़ा लेकिन आपस में किसी प्रकार की कठोरता नहीं आई। आगे उन्होंने स्नातक मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि जीत का एक नया कीर्तिमान स्थापित करें और कोई बदल ना सके ऐसा रिकॉर्ड बनाएं। वहीं डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने बताया कि हम लोग पार्टी के छोटे सिपाही हैं और पार्टी ने देवेंद्र प्रताप सिंह को अपना समर्थन दिया है और प्रत्याशी बनाया है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी का निर्णय है और उस निर्णय का सम्मान हमारा धर्म बनता है। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का नुकसान ना हो एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बड़ी जीत के लिए देवेंद्र प्रताप सिंह को ऐतिहासिक मतों के साथ MLC बने, इसलिए इनके पक्ष में अपनी प्रत्याशिता वापस लिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा नेता डॉक्टर संजय त्रिपाठी एवं भाजपा के MLC और भाजपा के MLC प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, और सही बात आपको मैं स्वीकार किया हूँ उसमें कि जैसे कोई भंडारी हो उसको स्कूटर मकैनिक का काम दे दिए, सही जगह ऊर्जा लगाएंगे। जो हमारा मूल काम है हम उस मूल जगह पर, हमारे लिए राजनीति का आकर्षण सिर्फ इतना था कि ठीक है जैसे किसी भी क्षेत्र का कुछ व्यक्ति थोड़ी सी सफलता पाता है ना, हम नहीं होंगे आप MLC क्या दिक्कत है भाई, कौन सा कोई दिक्कत कहीं जाने से तो किसी का आपसे निवेदन कर लेंगे, हमारे इतने विधायक मित्र सांसद किसी का कोई नुकसान नहीं किया, हारे जीते चाहे जो। ये दृष्टांत बताओ, डॉक्टर CP त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे उनके ससुर से मेरा व्यक्तिगत कई पीढ़ियों का रिश्ता था, चतुर्वेदी जी प्रिंसिपल है हमारे, और हम ही और चंद्रकांत त्रिपाठी बैठे बार पूजा पर, तो जितने उस वहाँ के बाहुबली थे कहते इन्हीं के खिलाफ ये चुनाव लड़े हैं। इन्हें बजे जाना था तारू मुझे कि हमारा लड़का, और फिर सुल्तानपुर के लोग गए 150 गाड़ी ले गए, उसका भी सम्मान बढ़ा। हम पहुंचे दूसरे दिन 1 बजे द्वार पूजा शुरू हुआ, थोड़ा विलम्ब हुआ। लेकिन एक आश्वासन दीजिए अपने चलाटिया में कभी बैठे बातचीत होगी विचार विमर्श होगा तब सीखेंगे, तरी ठीक है चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन राजनीतिया सीखना चाहिए, कोनो हर्जा थोड़े कि इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है कि जो आपका तेवर है जो आपकी शैली है वो बहुत दुर्लभ है। खाली ये हम प्रशंसा के लिए नहीं कह रहे हैं, नहीं नहीं किसी में आपकी या आपके अब चूंकि आप संजोगात मिल गए इसलिए आपके सामने हम कह रहे हैं, तो हम पीछे भी बतिया कहते हैं। हाँ भाई ये तो भाई बर्थ है, ये तो आदमी भगवान से भी हम ही बात कहते हैं। अच्छा हमारे लिए जो रानी थी हमारी दूसरी थी, हम आदमी उसमें बदल नहीं सकता है, हम लोग चाहते हैं हम भी बात कर रहा हूँ थोड़ा ऊंचा। जी जा मणि जी का फोन है, राजू देखिए हम लोग तो पार्टी के एक बड़े छोटे से सिपाही हैं और पार्टी ने आदरणीय बड़े भाई श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी के पक्ष में अपना समर्थन दिया है, निर्णय सुनाया है, उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, तो निश्चित तौर पर ये माननीय मोदी जी माननीय योगी जी का यह निर्णय है और उस निर्णय का सम्मान करना एक कार्यकर्ता के रूप में हमारा धर्म बनता था। वैसे भी आदरणीय MLC साहब हमारे बड़े भाई हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है कि अनावश्यक रूप से एक दूसरे के साथ लड़ करके एक दूसरे का अहित करें, एक दूसरे का नुकसान करें। इस नाते एक बृहत लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस बड़ी जीत के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके और आदरणीय श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी पुनः MLC बने और ऐतिहासिक मतों के साथ MLC बनकर चलें, ये इस हेतु इस निमित्त हमने यह निर्णय लिया है और इनके पक्ष में अपनी प्रत्याशिता मैंने वापस ली है। क्या अपील करना चाहेंगे वोटरों को? हमारे जितने अपने मतदाता हैं जो हमने व्यक्तिगत अपने
प्रयास से बनाए हैं, उन सारे मतदाताओं से मैं अपील करूंगा कि वो हमारे पार्टी के प्रत्याशी हमारे बड़े भाई आदरणीय सिद्धू प्रताप सिंह जी को अपना समर्थन दें और ऐतिहासिक मतों से विजय बनाएं। मैं इनका बहुत विनम्र भाव से आभारी हूं। डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने मेरा समर्थन करके अपनी उदारता का परिचय दिया है, अपनी बड़प्पन का परिचय दिया है। राजनीति में जो लोग मन बड़ा रखते हैं वही भविष्य में नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं। मेरा पूरा आशीर्वाद और स्नेह डॉक्टर संजय त्रिपाठी के साथ है। हमारे अनुज हैं, हम लोग आपस में चुनाव भी लड़े लेकिन हम लोगों में कभी कटुता नहीं आई, आत्मीयता का वह भाव और प्रगाढ़ कर दिया इन्होंने। मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और अपने स्नातक मतदाता बंधुओं से अपील करता हूँ कि वे जीत का एक नया कीर्तिमान स्थापित करें, रिकॉर्ड ऐसा बनाएं कि भूतों में भविष्यति, इस रिकॉर्ड से कभी विधान परिषद को कोई बदल न सके।